एक बात तो, हम शादी कब करने वाले हैं? हमसे नहीं, हमारे चाचा जी से बात करेंगे। अरे उनसे भी कर लेंगे, पहले तुम्हारा तो पता चले कि तुम क्या चाहती हो। हमारे चाचा जहाँ बोलेंगे हम वहाँ शादी करेंगे। और वो ना माने तो? पहले मर्दों की तरह दिन में हमारे घर आओ तो सही, फिर पता चलेगा कितना दम है। वाह बेटा, अब दोबारा मूड बना रहे हो, पहले ही 1 घंटा चोदाया आपने हमें। अब हम और नहीं सहन कर पाएंगे, टांगे कांप रही है हमारी पहले ही। अरे प्यार करते हम आपसे, और आप हैं कि कैसी बातें कर रही हैं। प्यार करते हैं आप हमसे, मान लेते हैं, लेकिन प्यार में जरूरी नहीं कि हर रोज पेलम पेली हो। ऐसे तो शादी से पहले ही सब खुला कर देंगे आप। अब आप मेरे घर आओ बात करने। बस एक बार और? नहीं, अब आप आओ कल घर बात करने, फिर जितना मर्जी पेलम पेली कर लेना। हाँ बोल, क्यों फोन किया था? अरे शिनू, कहाँ रह गया था इतनी देर? अबे तुझे पता है इतना काम रहता है, ऊपर से वो मेरा मालिक एक नंबर का ठरकी है यार। तुझसे एक बात करनी थी। मैं लैला से शादी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन बाद में मन में ख्याल आता है, 4 लड़कियों से सेटिंग है मेरी, किस किस से शादी करूंगा? अबे सब पता मुझे, लेकिन कहीं वो बात ना हो कि दिवाली से पहले सारे पटाखे जलाकर अपना अबरूद खत्म कर लो। शादी तो एक ना एक दिन हो ही जाएगी। अबे कर लेना सीधे शादी। अबे तू भी उसके चाचा से बात क्यों नहीं कर लेता? हम भी भाभी के खाने का स्वाद चख लेंगे। तू चलेगा मेरे साथ? यार अबे चलने में दिक्कत क्या है यार? यार वो मालिक समझा कर यार, वो एक नंबर का भैंचोद है वो। अरे तू चल ना मेरे साथ, देख तू होगा तो सब कुछ सही होगा। अरे चल ना। आ ठीक है। लैला अब शादी के लायक हो गई है, और मैं भी चाहता हूं कि मैं इसका विवाह जल्दी से जल्दी कराकर चिंता मुक्त हो जाऊं, फिर मैं भी अपनी जिंदगी आराम से जी लूं, और बेटी को कितने दिन अपने घर पे रख सकते हैं। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, आपका ख्याल हम रखेंगे ना, मेरा मतलब मैं और लैला। चाचा जी हाँ। लड़का आपको अच्छा लगा, इसका काम अच्छा लगा, तो बात पक्की करते हैं ना। ठीक है, फिर मांग की भी बात कर लेते हैं। अरे हमारी कोई मांग नहीं, लैला पढ़ी लिखी है, बस मेरे लिए इतने काफी है। आपकी मांग की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी मांग की बात कर रहा हूँ। पाल पोस कर इसको इतना जवान किया है, मुझे भी तो बुढ़ापे में कुछ आराम चाहिए। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि आपका ख्याल हम रखेंगे। हाँ ये तो सब कहने की बात है, कौन ख्याल रखता है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, बस सिर्फ मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन इसमें शादी विवाह वाली बात कहां से आई? आप तो लैला को बेच रहे हो। आप जैसे मर्जी समझिए, और कोई बात नहीं करनी। 50 लड़कियों के घर वाले हमारे घर आ चुके हैं रिश्ता लेकर, और पूछते हैं बताओ दहेज में क्या चाहिए, लेकिन हम है कि लैला के प्यार में पागल हैं, इसलिए यहां पर आ गए। अगर मुझे पता होता ना कि आप लैला को 5 लाख के बदले बेच रहे हैं, तो मैं कभी यहां पर ना था। जय राम जी की चाचा जी। जाओ